जी गरीबा ठीक। देखो तो क्या बात समझ में आई बच्चों कि इनर सर्कल से आउटर सर्कल पर अगर हम जाएंगे तो कंक्लूजन पर अगर ऑल दिया है वो भी सही और अगर सम दिया है बच्चों वो भी सही, क्लियर। लेकिन एक बात समझनी है कि जब हम बात कर रहे थे बच्चों सम बी आर ए के बारे में तो हमने एक बात नोटिस करी कि उस कंडीशन में बी क्या है आउटर सर्कल और ए क्या है बच्चों इनर सर्कल। तो यहां से बात समझ में आई कि जब भी मैं आउटर टू इनर सर्कल पर आऊंगा तो यदि मेरे कंक्लूजन पर सम दिया जाए तो ही वो क्या होगा बच्चों सही होगा। डले अंदर से बाहर ऑल एंड सम, आउटर टू इनर क्या हो गया आपका ओनली सम हो गया। बच्चों ये जो स्टेटमेंट थी ये किसके लिए थी, ऑल के लिए। आगे हम बात करेंगे जो अगली स्टेटमेंट है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, नो को, क्लियर। अब जब हम बात करते हैं ना नो के बारे में तो बच्चों नो के रिलेशन के बारे में हमें समझ में आता है कि जिनके बीच में नो का रिलेशन होगा इसका मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, क्लियर। देखो अगर मैं बोलूं नो ए आर बी, मान लो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी, क्या बोली नो ए आर बी, और मुझे क्या करना है इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करना सीखना है कि किस तरीके से इस स्टेटमेंट को जो है वो ड्रॉ करा जा सकता है। यहां हमने एक स्टेटमेंट लिखी है नो ए आर बी और इसके बारे में हमें सीखना है कि किस तरीके से इसे ड्रॉ करा जा सकता है, ठीक है बच्चों। बच्चों एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है जो किसे रिप्रेजेंट करता है ए को, और दूसरा डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है बच्चों जो किसे रिप्रेजेंट करता है बी को, और अगर दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो है वो बच्चों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे, क्लियर। अब यहां से एक बात समझो, अगर मैं नो ए आर बी बोल दूं या मैं नो बी आर ए बोल दूं, दोनों बातें क्या होंगी बच्चों आपकी सेम होंगी, ठीक। चाहे तो नो ए आर बी बोल दीजिए चाहे तो नो बी आर ए बोल दीजिए, दोनों बातें क्या है आपकी सेम है, क्लियर। अब एक बात और याद रखनी है यहां पर कि जब हम बात करते हैं बच्चों नो के बारे में तो नो इज फॉलोड बाय सम नोड, क्या हो गया नो इज फॉलोड बाय सम नोड। नो इज फॉलोड बाय सम नोड का मतलब क्या हुआ कि जिनके बीच में नो का रिलेशन होगा उनके बीच में डेफिनेटली किसका रिलेशन होगा, सम नोड का रिलेशन तो होगा ही, क्लियर। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ए बी नहीं है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ ए जो है वो भी क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, डर है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी लड़का लड़की नहीं है, क्या बोलता हूं कोई भी लड़का लड़की नहीं है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि कुछ लड़के जो है वो भी क्या नहीं होंगे, लड़की नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हैं, इसी बात को मैंने क्या बोला है कि बच्चों कि जो नो है वो किसके द्वारा फॉलो करा जाता है, सम नोड के द्वारा, डर है बच्चों। आगे बढ़े अगली स्टेटमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। अगली स्टेटमेंट, कोई डाउट है यहां तक? अगली जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, सम। अगर हम बात करें सम के बारे में तो सम का मतलब होता है बच्चों जब हम बात करते हैं 0% से अबो, लेकिन जब हम बात करते हैं 100% से बिलो, तो सारा का सारा जितना भी एरिया होता है वो कौन कवर करेगा बच्चों, आपका सम कवर करेगा, क्लियर। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने जिसे मैंने बोल दिया बच्चों सम ए आर बी बोल दिया, क्या बोला सम ए आर बी, मतलब कुछ ए जो है वो क्या है बच्चों, बी है, कुछ ए जो है बच्चों वो क्या है, बी है। तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है जो किसे रिप्रेजेंट करता है, ए को, और ए का कुछ पार्ट अगर बी है तो ए का कुछ पार्ट बी बनाने के लिए मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, ए के साथ इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दूं तो इन दोनों में जो एक कॉमन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉमन पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सम ए आर बी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में जो कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है, इस कॉमन पोर्शन को हमने क्या बोला है, सम ए आर बी बोला है। चाहे तो मैं सम ए आर बी बोलूं चाहे तो मैं सम बी आर ए बोलूं, दोनों बातें क्या है बच्चों आपकी सेम है, दोनों बातें क्या है आपकी सेम, क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सम के बारे में तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि सम को कई बार अलग अलग वर्ड्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करा गया होगा, अलग अलग वर्ड्स की हेल्प से सम को क्या करा गया होगा, रिप्रेजेंट। जैसे मैं अगर बोलूं एट लीस्ट सम ए आर बी, ठीक है, एट मोस्ट सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, मैनी ए आर बी, लिटल ए आर बी, जनरली ए आर बी, फ्रीक्वेंटली ए आर बी,
इन सभी बातों का मतलब सेम क्या होता है बच्चों, सम ए आर बी ही होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होगा कि आपकी स्टेटमेंट में सम का रिलेशन बताने के लिए क्लियरली सम वर्ड का यूज ना करके इन कुछ वर्ड्स का यूज करके आपसे क्वेश्चन कर लेगा। आपको बोला जाएगा कि एट मोस्ट ए आर बी, आपको बोला जाएगा फ्यू ए आर बी। तो अगर आपको नहीं पता कि इन सभी वर्ड्स का मतलब सम ही होता है तो शायद आप इन बातों को लेकर खुद से कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई डाउट है बच्चा? आगे बढ़ो, आगे बढ़ सकते हैं। पर हम आगे देखते हैं और अगली स्टेटमेंट जो है बच्चों वो देखते हैं, जो कि क्या है, सम। सम नोट के बारे में अगर हम बात करें तो सम नोट का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं कि साइलोजिज्म चैप्टर में सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइलोजिज्म चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो एक स्टेटमेंट बनता है वो बन जाता है बच्चों आपका सम नोट। क्लियर? तो यहां पर तो हम ये सीखेंगे सिर्फ कि सम नोट के बारे में जब बात होगी तो सम नोट का जो डायग्राम है वो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? मान लो बच्चों मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, सम ए आर नोट बी। कुछ ए जो है बच्चों वो क्या नहीं है, बी नहीं है। कुछ ए जो है वो क्या नहीं है बच्चों, बी नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक डायग्राम ड्रॉ करा जो किसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ए को। और फिर उसके बाद क्या बोला गया कि ए का कुछ पार्ट जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ए का कुछ पार्ट जो है ना वो पहले ही हाईलाइट कर लूंगा और इस हाईलाइट पोर्शन को मैं क्या बोल दूंगा बच्चों कि ये जो ए है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? कि मैंने क्या करा, ए का कुछ पोर्शन जो है उसे हाईलाइट कर दिया और उस हाईलाइट पोर्शन को क्या बोल दिया कि ये जो कुछ ए है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते बच्चों, बी नहीं हो सकते। ये कुछ ए जो है ये क्या नहीं हो सकते, भी नहीं हो सकते। चलो एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों मेरे साथ, जो भी बातें हमने समझी उसके उनकी हेल्प से एक बार एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आपके असाइनमेंट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो यहाँ पर इसको बोर्ड पर समझेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्टेटमेंट दी गई है बच्चों कि ऑल द फोन्स आर स्केल्स। क्या दिया बच्चों, ऑल द फोन्स आर स्केल्स। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है बच्चों ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर्स। ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई। अब उसके बाद आपसे पूछा गया कंक्लूजन के अंदर, फर्स्ट कंक्लूजन आपसे पूछ रही है कि ऑल द कैलकुलेटर्स आर स्केल्स, ऑल द कैलकुलेटर्स आर स्केल्स। ठीक है बच्चों? एंड सेकेंड कंक्लूजन बोल दिया बच्चों ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर्स। एंड थर्ड बोल दिया बच्चों ऑल द स्केल्स आर फोन्स। एंड फोर्थ बोल दिया बच्चों सम कैलकुलेटर्स आर फोन्स। ठीक है बच्चों, ये आपको दी गई है स्टेटमेंट के बाद कुछ चार कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ कॉन्क्लूजन्स देगा। आपको पता करना है स्टेटमेंट के बेसिस पर कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही है और कौन सा कॉन्क्लूजन बच्चों गलत है। डन है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पर कॉन्क्लूजन को पता करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दी बच्चों ऑल दी फोन्स आर स्केल्स। सभी फोन्स क्या बताए, स्केल्स बताए। ठीक, तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है बच्चों जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, फोन्स को, और सारे के सारे फोन्स क्या बताए हैं, स्केल्स बताए हैं ना। क्लियर? आगे बोल दिया बच्चों ऑल दी स्केल्स आर कैलकुलेटर्स। सभी स्केल्स क्या हैं बच्चों, कैलकुलेटर्स। डन है? ये बन गया हमारा स्टेट डायग्राम। अब डायग्राम के बेसिस पर अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं तो फर्स्ट कंक्लूजन आपको बोलती है बच्चों ऑल दी कैलकुलेटर्स आर स्केल। मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन में क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि क्या वो सही है या गलत है। फर्स्ट कंक्लूजन में आपसे पूछ रहा है कि ऑल दी कैलकुलेटर्स आर स्केल्स, क्या सारे कैलकुलेटर स्केल्स हैं क्या? दीपक, मैंने अभी बताया था कि जब भी हम आउटर टू इनर सर्कल पर आएंगे तो सिर्फ किसका रिलेशन बनेगा बेटा, सम का, है ना। क्या बनेगा, सिर्फ सम का। लेकिन बेटा यहाँ क्या दिया है, ऑल दिया है। तो अगर यहाँ सम नहीं दिया तो ये क्या हो गया, अनफॉलो हो गया ना। क्या हो गया बच्चों, ये अनफॉलो। सेकंड कंक्लूजन में अगर पढ़ते हैं तो देता है ऑल दी फोन्स आर कैलकुलेटर।
फोन कहाँ पर है बच्चों? अंदर की तरफ। कैलकुलेटर कहाँ पर है बच्चों? बाहर की तरफ। और हमें क्या पता है कि इनर सर्कल टू आउटर सर्कल जब हम जाएंगे तो किसका रिलेशन बन सकता है? ऑल एंड सम बोथ, दोनों का रिलेशन बन सकता है, ऑल एंड सम दोनों का। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? ऑल दिया है, तो ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर क्या हो गया आपका? सही हो गया ना। थर्ड कंक्लूजन बोलता है बच्चों, ऑल द स्केल्स आर फोन्स। कहते हैं कि क्या सारे स्केल्स फोन है क्या? बच्चों स्केल क्या है? आउटर सर्कल। फोन क्या है बच्चों? इनर सर्कल। और आपको पता है कि जब हम आउटर टू इनर आएंगे तो सिर्फ किसका रिलेशन बनेगा? और यहां पर क्या दिया है बच्चों? तो क्या हो गया? अनफॉलो है ना। अगला कंक्लूजन पूछता है, सम कैलकुलेटर्स आर फोन। कहता है कि क्या कुछ कैलकुलेटर फोन है? कैलकुलेटर क्या है? आउटर सर्कल। फोन क्या है? इनर सर्कल। और हम जानते हैं कि आउटर टू इनर जब हम आएंगे तो किसका रिलेशन बनेगा? सम का। कोई डाउट है बच्चों? क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका? फॉलो हो गया। ठीक है, डन। बढ़ सकते हैं आगे। जैसे कि हमारे पास है ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है हमारी असाइनमेंट में, ठीक है। और इसमें जो स्टेटमेंट दी है वो मैं नोट डाउन करके चल रहा हूँ बोर्ड पर। स्टेटमेंट नंबर वन बोलता है बच्चों, ऑल दी पेपर्स आर बुक्स। ठीक है, क्या बोल दिया? ऑल दी पेपर्स आर बुक्स। ठीक है बच्चों। और सेकंड बोल दिया बच्चों, ऑल दी बैग्स आर बुक्स। ऑल दी बैग्स आर बुक्स। 28 पेज नंबर सेकंड। और थर्ड स्टेटमेंट बोल दिया बच्चों, सम पर्सेस आर बैग्स। और फर्स्ट कंक्लूजन बोल दिया है बच्चों, सम पेपर्स आर बैग्स। सम पेपर्स आर बैग्स। एंड सेकंड कंक्लूजन बोल दिया बच्चों, सम बुक्स आर पेपर्स। एंड थर्ड बोल दिया बच्चों, सम बुक्स आर पेपर्स। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है ना। क्लियर। क्वेश्चन चेक करते हैं। देखे, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? ऑल दी पेपर्स आर बुक्स। सभी पेपर क्या है बच्चों? तो यहां मैंने पेपर बनाया और सभी पेपर क्या बताए हैं बच्चों? बुक्स बताए, है ना। क्लियर। तो ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब बोलता बच्चों, ऑल दी बैग्स आर बुक्स। कहता है कि सारे बैग्स जो है वो क्या है? बुक्स है। अगर सारे बैग्स बुक्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी बैग्स हैं वो भी किसके अंदर आने वाले हैं? बुक्स के अंदर। अब एक बात समझो, बुक्स के अंदर पेपर भी आएगा और बुक्स के अंदर क्या आएगा बच्चों? बैग भी आएगा। लेकिन एक बात यहां समझने की, क्या आपको इन स्टेटमेंट्स के अंदर पेपर और बैग्स के बारे में कोई रिलेशन गिवन है क्या? क्या पेपर्स और बैग के बीच में कोई रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो मुझे एक सिंपल सा काम याद रखना है कि जब भी मैं साइलोजिज्म चैप्टर के बारे में बात करूंगा तो साइलोजिज्म चैप्टर में मुझे क्या करनी है बच्चों? मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। क्या करनी है? मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है आपको सिर्फ उतना ही करना है, स्टेटमेंट्स में जो कहा गया है अपनी तरफ से कुछ भी वहां पर अज्यूम नहीं करके चलना। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस डायग्राम के बारे में बात करूं तो कई बच्चे इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि पेपर, ठीक, और ये पेपर, और पेपर के अंदर कौन बना दिया? बैग्स बना दिया, ठीक, और यहां ये हो गया बुक्स। कई बच्चे इसको ऐसे बना सकते हैं। क्लियर बेटा, ऐसे इसको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सारे बैग्स जो है ना वो किसके अंदर ले जा रहे हैं? पेपर्स के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं पेपर और बैग्स में कोई रिलेशन नहीं दिया। और मैंने क्या बोला है कि जो भी स्टेटमेंट में रिलेशन ना दिया हो वैसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। डल है, जो बातें कही गई है स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वही करना होता है। क्लियर। तो अगर यहाँ पेपर और बैग में कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से पेपर और बैग्स में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते। मतलब हम क्या करेंगे, पेपर्स और बैग्स को एक दूसरे से अलग अलग बनाएंगे, लेकिन सारे पेपर बुक होंगे और सारे ही बैग्स जो है बच्चों वो भी क्या होंगे? बुक्स होंगे। ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया। क्लियर। थर्ड जो स्टेटमेंट बोलता है बच्चों उसमें बोला गया है, सम पर्सेस आर बैग्स। कुछ पर्सेस जो है बच्चों वो क्या है? बैग्स है। कुछ पर्सेस क्या है? बैग्स। तो कुछ पर्सेस अगर बैग्स हैं तो यहां पर हमने क्या करा बच्चों, पर्सेस को बैग्स के साथ इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। क्लियर। अब फर्स्ट कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कंक्लूजन में बोलता है बच्चों, पूछता है आपसे
फर्स्ट कंक्लूजन, सम पेपर्स आर बैग्स। क्या कुछ पेपर्स बैग्स है क्या दीपक? क्या कुछ पेपर बैग है क्या? नहीं है ना, तो क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों, क्या जवाब दोगे? अनफॉलो जवाब दोगे। क्या दोगे? जो अनफॉलो। सेकंड बोलता है बच्चों कि सम बुक्स आर पेपर्स। क्या कुछ बुक्स पेपर्स हैं क्या? क्लियर। मैंने अभी आपको बताया था कि आउटर टू इनर जब आप आते हैं तो किसका रिलेशन बन जाता है बच्चों? सम का। तो यहां पर अगर सम दिया है तो इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? फॉलो बोल देंगे, है ना। थर्ड कंक्लूजन बोलता है बच्चों सम बुक्स आर पेपर्स। बुक्स कहां पर है? ये रहा, ठीक। सम बुक्स आर पर्सेस, क्लियर। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस कंक्लूजन के बारे में तो पूछता है कि क्या कुछ बुक्स पर्सेस है क्या? तो आप देख सकते हैं बुक्स का कुछ पोर्शन किसमें गया है? पर्सेस में। तो अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है तो थर्ड कंक्लूजन क्या होगी दीपक? चलो ठीक, तो थर्ड कंक्लूजन क्या होगी बच्चों? फॉलो होगी। अगली स्टेटमेंट बोलता है बच्चों नो फ्रूट इज विंडो। क्या बोलता है? नो फ्रूट इज विंडो। अगली स्टेटमेंट में बोल दिया बच्चों ऑल विंडोज आर चेयर्स। ऑल विंडोज आर चेयर्स, ये हमारी होगी थर्ड स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन्स में दिया है बच्चों, फर्स्ट कंक्लूजन बोलता है कि नो विंडो इज टेबल। कहता है कि नो विंडो मतलब कोई भी विंडो क्या नहीं है? टेबल नहीं है। ये हमारी है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन बोलती है बच्चों नो चेयर इज फ्रूट। एंड थर्ड बोलता है बच्चों नो चेयर इज टेबल। एंड बच्चों आगे बोल दिया कि ऑल चेयर्स आर विंडो, है ना। ये क्या बोल दिया? ऑल चेयर आर विंडोज। क्लियर है बच्चों, ये बन गया आपका, ठीक। अब हमें समझ रहा है कि कौन सा फॉलो कौन सा अनफॉलो। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? नो टेबल इज फ्रूट। कोई भी टेबल में मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है किसके बीच में? टेबल के बीच में और फ्रूट के बीच में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को ही एक दूसरे से अलग रख देंगे। तो यहाँ हमने टेबल बनाया, ये हमने बनाया बच्चों फ्रूट, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा। बोलता है नो फ्रूट इज विंडो। कहते हैं कि कोई भी फ्रूट क्या नहीं है बच्चों? विंडो नहीं है। तो अगर कोई भी फ्रूट विंडो नहीं है तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। तो ये दोनों इस तरीके से बन जाएंगे, क्लियर। आगे बोलता है बच्चों ऑल दी विंडोज आर चेयर्स। जितनी भी विंडो है वो सभी क्या है? चेयर्स है। तो जितनी भी विंडो होंगी बच्चों वो किसके अंदर आ जाएंगी? चेयर्स के अंदर, है ना, क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारा? चेयर्स बन गया। ये हमारा क्वेश्चन था, डन, बन गया डायग्राम। चलो अब फर्स्ट कंक्लूजन पूछता है नो विंडो इज टेबल। कहते कि कोई भी विंडो टेबल नहीं है, क्या ये फॉलो करेगा? पक्का? कोई भी टेबल विंडो नहीं है, क्या ये फॉलो करेगा? कितने बच्चे कह रहे हैं फॉलो करेगा? फॉलो करेगा मतलब ये सही है। नो विंडो इज टेबल आपके अनुसार बिल्कुल सही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं ये फॉलो नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना। कितने बच्चे कहना चाह रहे हैं कि ये फॉलो नहीं करेगा? कौन कौन एक बार रेज योर हैंड, ठीक। क्या रीजन है बेटा जतिन? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा डेफिनेटली सही, बिल्कुल ठीक बोला। मैंने अभी क्या बताया था कि कंक्लूजन हम सिर्फ उन्हीं का निकाल सकते हैं जिनका स्टेटमेंट में क्या दिया हो, कोई रिलेशन दिया हो, और जिनके बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ही गिवन ना हो उस कंडीशन को हमने क्या बोला था? अनफॉलो, मतलब उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्लियर। और जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते उसे भी हम क्या बोलते थे बच्चों? अनफॉलो बोलते थे। उसे भी हम क्या बोलते थे? अनफॉलो। ये मैंने आपको बताया था ना, ठीक। एक बार देखते हैं, देखो फर्स्ट कंक्लूजन में पूछा बच्चों कि क्या कोई भी विंडो टेबल नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो क्या विंडो और टेबल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो अगर इनका कोई रिलेशन नहीं दिया तो इसे मैंने क्या बोला बच्चों? कांट से। और कांट से क्या हो जाता है आपका? अनफॉलो। कोई डाउट है बच्चों? क्लियर। अगला कंक्लूजन बोलता है नो चेयर इज फ्रूट। कहते हैं कि कोई भी चेयर क्या नहीं है? फ्रूट नहीं है। क्या होगा ये? फॉलो करेगा अनफॉलो करेगा?
नो चेयर इज फ्रूट फॉलो करेगा या अनफॉलो करेगा? फॉलो वाले बच्चे कितने हैं, अनफॉलो वाले बच्चे कितने हैं बच्चों? और कोई भी बच्चा मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं है, वो किस कैटेगरी में, मतलब कई बच्चों ने किसी भी स्थिति में हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है ना। दीपक देख क्या बोलता है बेटा, नो चेयर इज फ्रूट, ठीक समझ। क्या चेयर और फ्रूट में कोई रिलेशन दिया है क्या स्टेटमेंट में? और जिनके बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन गिवन ना हो उनका हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, कैटेगरी कांड से, और कांड से किसका पार्ट है, अनफॉलो है ना, क्या हो गया, अनफॉलो। क्लियर है बच्चों? अगला कंक्लूजन बोलता है नो चेयर इज टेबल, क्या ये सही होगा? कोई भी चेयर टेबल नहीं है, ध्यान से देखो क्या करेगा ये, फॉलो करेगा अनफॉलो करेगा? श्री ओम क्या होगा भाई ये, फॉलो करेगा अनफॉलो करेगा? श्री ओम बोल। देख क्या चेयर और टेबल में कोई रिलेशन दिया है भाई, क्या चेयर और टेबल में कोई रिलेशन दिया है श्री ओम? स्टेटमेंट में देख, क्या स्टेटमेंट में कोई रिलेशन मिल रहा है चेयर और टेबल में? नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर चेयर और टेबल में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा बच्चों, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कांड से, और कांड से को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनफॉलो। तीन कंक्लूजन में नो है, और तीनों बार मैंने बताया यही कि जिनके बीच में कोई रिलेशन ना दिया हो स्टेटमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका कंक्लूजन क्या आता है बच्चों, अनफॉलो, है ना, क्लियर। फोर्थ कंक्लूजन बोलता है ऑल चेयर आर विंडो, कहते हैं कि ऑल चेयर आर विंडो, क्या सारे चेयर विंडो है क्या? चेयर कहां पर है, बाहर, विंडो कहां पर है, बाहर से अंदर आए तो क्या, तो क्या हो गया बच्चों, तो सारे के सारे क्या हो गए आपके, अनफॉलो। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक तरीका बताता हूं, ठीक है, वो शायद मैंने आपको भी बताया था। देखो बच्चों, जब भी आपके कंक्लूजन पर है ना नो का केस आ जाए, क्या आ जाए, नो का केस दे दे, ठीक, क्या दे दे, नो का कंक्लूजन आपके क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, अगर आपको ना क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा कि यार ये सही होगा गलत होगा, मतलब आप ना एक तरीके से दुविधा में है, ठीक, एक सिंपल सा काम करो, बात सुनना, ठीक, इसको मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं और मेरी भाषा में मैंने इसको दूसरे तरीके से लिखवाया था, ठीक। जब भी कंक्लूजन पर नो का केस दिया जाए, जिनके बीच में भी नो का कंक्लूजन दिया है, मतलब नो का केस दिया है, उनके बीच में मिलन करवा दे, क्या करवा दे, मिलन करवा दे, अगर मिलन हो पाया तो वो नो का कंक्लूजन है गलत, अगर मिलन नहीं हो पाया तो वो नो का कंक्लूजन है सही। दोबारा बोलता हूं कि जिनके बीच में नो का केस दिया है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट्स की हेल्प से, तो आप एक सिंपल सा काम क्या करके देख लो कि जिनके बीच में नो का रिलेशन दिया है उनके बीच में मिलन करवा के देख लो, अगर मिलन हो पाया तो नो का कंक्लूजन क्या है, गलत, और अगर मिलन नहीं हो पाया तो नो का कंक्लूजन क्या है, सही है। डन, मतलब क्या है, रिलेशन जो है ना वो रिवर्स रिलेशन है, क्लियर, उल्टा रिलेशन है, उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है, कि अगर मिलन होगा तो गलत, मिलन नहीं होगा तो सही। डन बच्चों, ठीक, अभी मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन की हेल्प से, तो वहां पर आप इसको समझना कि किस तरीके से इसका, इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं, ठीक, एक क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लियर। मैं इसकी स्टेटमेंट्स जो है ना यहाँ पर बोर्ड पर लेके चला हूँ, ठीक है, ओबीसी वहां से समझने का प्रयास करियो भाई, ठीक है। देख स्टेटमेंट में बोलता है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला सम कप्स आर फ्लावर्स, क्या बन गया, सम कप्स आर फ्लावर्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है बच्चों सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस, क्या बोलता है, कुछ फ्लावर्स जो है वो क्या है, बॉक्सेस है, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट में बोल दिया बच्चों ऑल बॉक्सेस आर टाइगर्स, ठीक है, ऑल बॉक्सेस आर टाइगर्स, क्लियर है बच्चों, बन गया। अब कंक्लूजन में बोल दिया, फर्स्ट कंक्लूजन इसने बोल दी कि सम टाइगर्स आर कब्स, क्या बोल दिया बच्चों, सम टाइगर्स आर कब्स। और अगली स्टेटमेंट बोल दी सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, सम टाइगर्स आर फ्लावर्स। और बच्चों थर्ड बोल दिया सम बॉक्सेस आर कप्स एंड नेक्स्ट इज नो टाइगर इज फ्लावर, ठीक है बच्चों, ये दे दिया, क्लियर, आप समझेंगे। मुस्ताक यहां देख, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा, सम कप्स आर फ्लावर्स, कुछ कप्स क्या है, फ्लावर्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला बेटा, सम कप्स आर फ्लावर्स,
ठीक, कुछ कप्स क्या है, फ्लावर्स है ना, कुछ कप्स क्या है, फ्लावर्स है। आगे बोल दिया बेटा सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस, कुछ फ्लावर्स क्या है, बॉक्सेस है। और आगे बोल दिया ऑल बॉक्सेस आर टाइगर्स, सभी बॉक्सेस क्या है बच्चों, टाइगर्स है ना, क्लियर। फर्स्ट कंक्लूजन बोल दिया सम टाइगर्स आर कप्स, क्या कुछ टाइगर कप्स हैं, क्या क्या टाइगर और कप्स में कोई रिलेशन है, और जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो उसे क्या बोलते हैं, और कांसे को क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लियर। ठीक, सेकंड कंक्लूजन सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, क्या कुछ टाइगर्स फ्लावर्स हैं, क्या कुछ टाइगर्स फ्लावर्स हैं, डेफिनेटली है, तो क्या हो गया बच्चों, फॉलो हो गया। थर्ड बोलता है सम बॉक्सेस आर कप्स, क्या कुछ बॉक्सेस कप्स हैं, क्या नहीं है ना, तो इसे हमने क्या बोला, अनफॉलो। अब अगला बोलता है नो टाइगर इज फ्लावर, कहते हैं कि कोई भी टाइगर क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है, कोई भी टाइगर क्या नहीं है बच्चों, फ्लावर नहीं है। क्या करेंगे आप, इसे फॉलो करेंगे, अनफॉलो करेंगे, क्या करेंगे ओविशी, क्या करेंगे बेटा, इसको बता, तूने खुद बताया था जिनके बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ना हो उसे क्या बोला था, कांड से, और कांड से को क्या बोला था, अनफॉलो। ऐसा मुस्तक अभी आपने भी बोला था, ठीक। एक सिंपल सी बात समझ, सिंपल सी, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं जैसे मैं अभी बता रहा था, ठीक। मैंने क्या बोला था बेटा कि जब भी नो टाइगर इज फ्लावर, जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन में क्या दे दे, क्या दे दे, ये वैसे है ना, ये सही होगा, ये सही होगा, एक मिनट रुक जाओ, ये सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं। जब भी आपके नो के कंक्लूजन में, मतलब आपके क्वेश्चन में नो का कंक्लूजन दे दिया जाए, तो आपको क्या कराना है बच्चों, उनके बीच में मिलन है, ठीक। और मिलन अगर हो जाए तो वो क्या है, अनफॉलो, और अगर मिलन ना हो तो वो क्या है, और पहले से ही मिलन हुआ पड़ा हो तो भी अनफॉलो तो है ही, ठीक। यहां देखो, टाइगर का कुछ हिस्सा पहले ही किसमें है, फ्लावर में, इसका मतलब टाइगर और फ्लावर का रिलेशन जो है ना, इनडायरेक्टली इन्होंने पहले ही दिया हुआ है, क्लियर। मतलब स्टेटमेंट की हेल्प से ही क्लियर करा हुआ है कि कुछ फ्लावर जो है वो क्या है, टाइगर है। तो अगर ये क्लियर करा गया है तो बच्चों ये क्या हो गया, अनफॉलो हो गया। सम कप्स आर फ्लावर्स है ना, सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस है ना, ऑल बॉक्सेस आर टाइगर, सारे बॉक्सेस क्या है बच्चे, टाइगर्स है। इसको हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, टाइगर को हटा दूं, ठीक बन गया। क्या है, कुछ कप फ्लावर है, कुछ फ्लावर क्या है, बॉक्सेस है, नहीं है इसमें किसी को डाउट है। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे बॉक्सेस जो है ना वो क्या बनाने हैं, टाइगर बनाने। क्यों बनाने, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है, क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सारे बॉक्सेस टाइगर बनाने हैं और टाइगर का कुछ हिस्सा फ्लावर्स में गया है, तो कुछ हिस्सा मुझे टाइगर का बॉक्सेस को कवर करवाने के लिए उसके अंदर भी तो लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। और जब मैं टाइगर्स का कुछ हिस्सा फ्लावर के अंदर लेके आऊंगा तो टाइगर और फ्लावर का रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, सम टाइगर्स आर फ्लावर। इसे हम बताऊं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली रिलेशन। इनडायरेक्टली रिलेशन का मतलब कि जिसके बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन क्लियर डायरेक्टली नहीं बताई गई, लेकिन जब हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या बन रहा है, इनडायरेक्टली रिलेशन बन रहा है, डन। इसको हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट रिलेशन बोला। और इस इनडायरेक्ट रिलेशन से जब मैंने टाइगर और फ्लावर के बीच में निष्कर्ष जानने का प्रयास करा तो मुझे समझ में आया कि टाइगर और फ्लावर में क्या बन रहा है, सम का रिलेशन। लेकिन कंक्लूजन में बोलता है कि कोई भी टाइगर क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि टाइगर और फ्लावर में क्या बन रहा है, सम का रिलेशन। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, अनफॉलो करा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, थैंक यू।